देखिए एक्चुअली हम लोग छोटा बड़ा सारा फंक्शन देखते हैं, विवाह हो, उपनयन हो, मुंडन हो, जो लोग हमारे यहाँ बुकिंग करते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा हमारे तरफ से क्या मिल पाए हम उसके लिए पूरा प्रयास करते हैं। हम जिनके घर में भी शादी है या कोई फंक्शन है तो एक्स्ट्रा कुछ ऐड करना रहता है, जैसे कि कोई प्रोग्राम लाना हो या फिर कोई सिंगर को बुलाना हो या फिर आपको कोई स्टेज शो करवाना हो तो उन सब के लिए भी हम लोग प्रेफर करते हैं। सलाम आदाब, आप देख रहे हैं मधुबनी हलचल न्यूज़। इस समय हमारी टीम मौजूद है रांटी से राजनगर रोड की तरफ। जब आप बढ़ते हैं लगभग 200 मीटर की दूरी पे एक होटल है जिसका नाम शुभ मंगलम पैलेस है। अगर आप शादी विवाह, बर्थडे पार्टी, मुंडन इत्यादि चीज़ों के लिए अगर होटल की तलाश करना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं। मात्र 200 मीटर की दूरी है रांटी चौक से उत्तर की तरफ राजनगर रोड में। इस होटल के ऑनर से आप संपर्क कर सकते हैं जो कि नीचे दिया गया है। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ क्या क्या फैसिलिटी है तो मैं आप सभी को जानकारी के लिए बता दूं, यहाँ पे शादी विवाह, मुंडन, उपनयन, बहुत से सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा राजनीतिक कार्यक्रम किए जाते हैं। इस होटल के अंदर बहुत सी फैसिलिटी है जो कि यहाँ के ऑनर से हम जानने की कोशिश करते हैं। तो बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में और देखते रहें मधुबनी हलचल न्यूज। रांटी से जब आप जाते हैं पिलखबार राजनगर रोड की तरफ तो यहाँ पे एक होटल पड़ता है जिसका नाम है होटल शुभ मंगलम, जिसके ऑनर हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है। आइए उनसे जानते हैं कि यह होटल क्यों मधुबनी ज़िला में इतना फेमस है और साथ ही साथ जो इतने बड़े बड़े प्रोग्राम, बड़े बड़े नेताओं का यहाँ पे आना जाना क्यों लगा रहता है और किस तरीके से यहाँ पर भव्य स्वागत किया जाता है, क्यों यहाँ पर शादी विवाह, मुंडन, उपनयन एवं कोई भी पार्टी के कार्यक्रम, मीटिंग रखे जाते हैं। क्या नाम हुआ आपका सर, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम अविनाश कुमार सिंह उर्फ सनी सिंह हुआ। कब से इस होटल का बना हुआ, कब हुआ? ये अप्रॉक्स 15 अप्रैल को हम लोग ओपन किए हुए। 15 अप्रैल को ओपन किए थे। इससे पहले भी हमारा विवाह भवन चल रहा था लेकिन इस जगह पे 15 अप्रैल को ओपन किए हैं। क्या नाम है होटल का पूरा? शुभ मंगलम पैलेस। पूरा पता क्या है इसका? पता हुआ रांटी राजनगर रोड, रांटी चौक से आप 200 मीटर उत्तर की तरफ बढ़िएगा राजनगर रोड में तो आप हमारे होटल पे पहुंच जाइएगा। क्या क्या फैसिलिटी है आपके इस होटल में? देखिए एक्चुअली हम लोग छोटा बड़ा सारा फंक्शन देखते हैं, विवाह हो, उपनयन हो, मुंडन हो, ठीक है, और जो लोग हमारे यहाँ बुकिंग करते हैं, ठीक है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा हमारे तरफ से क्या मिल पाए हम उसके लिए पूरा प्रयास करते हैं। हमारा 100% रहता है, हमारा पूरा टीम का 100% रहता है कि उनको किसी तरह का दिक्कत नहीं हो। जिनके घर में भी शादी है या कोई फंक्शन है, ठीक है, उनको अगर किसी तरह मतलब एक्स्ट्रा कुछ ऐड करना रहता है, जैसे कि कोई प्रोग्राम लाना हो या फिर कोई सिंगर को बुलाना हो या फिर आपको कोई स्टेज शो करवाना हो तो उन सब के लिए भी हम लोग प्रेफर करते हैं। रहने ठहरने की व्यवस्था है यहाँ? बिल्कुल बिल्कुल है। खाने पीने के होटल खुद नहीं, यहाँ पे एक्चुअली है क्या, हमारा कैटरिंग का सिस्टम है जी। लेकिन अगर आप बुकिंग करते हैं कि हमारा मतलब इतने लोगों का खाने के साथ है तो फिर मेरा कैटरिंग रहेगा। हॉल का क्या साइज है जहाँ पे कोई भी प्रोग्राम सेमिनार होते? देखिए हमारे हॉल का साइज है 115 फीट बाई 55 फीट। काफ़ी बड़ा है जी जी। कितने लोग, कितने चेयर लगा सकते हैं आप इसके? 500 सीटिंग कैपेसिटी है, 500 लोग आराम से हॉल के अंदर बैठ सकते हैं। 1500 आदमी को हैंडल करना मामूली बात नहीं था लेकिन हम लोगों ने अपना 100% दिया और बेस्ट से बेस्ट इस प्रोग्राम को सक्सेस करने का कोशिश किया। चलिए क्या कहेंगे हमारे दर्शकों को जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं इस न्यूज़ के चैनल के माध्यम से? उन आपके सारे दर्शकों को आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि एक बार अवश्य पधारें और एक बार सेवा का मौका दें। हमारा विवाह भवन है शुभ मंगलम पैलेस, ठीक है, किसी भी प्रोग्राम फंक्शन के लिए आप एक बार जरूर यहाँ पर पधारें।